हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 स्ट्रेंजेस्ट प्लेन, मतलब जो बहुत अजीब तरीके से स्ट्रेंज प्लेन के मॉडल्स जो आज तक वर्ल्ड में बने हैं, उसमें से मैं आज आपको 10 दिखाने वाला हूँ। बाकी जो भी प्लेन्स बच गए होंगे उन्हें मैं बाद में दिखाऊँगा। मीन्स ये वीडियो का पार्ट 1 है और अगला वीडियो चैनल पर आएगा वो पार्ट 2 ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि पार्ट 2 भी बन चुका है, ये पार्ट 1 है। पहले मैंने पार्ट 2 बनाया, इसका मतलब मैं पार्ट 1 अभी बना रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हम लोग 160 सब्सक्राइबर हिट कर चुके हैं। अब हम लोग 200 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, सिर्फ 40 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो इस वीडियो अगले वीडियो आने से पहले आप लोग 200 सब्सक्राइबर्स करवा ही दीजिए। और जो आप लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि रेगुलर रहने, तो मैं रेगुलर रहता हूँ, मैं कंटेंट बनाते रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग को दिया जाए। एक ही कंटेंट को, मतलब कोई भी बेकार सा कंटेंट दे के आप लोग का टाइम बर्बाद मुझे नहीं करना है, ना अपना करना है, ना आप लोग का करना है। मैं बेसिकली अपना यूट्यूब चैनल इसलिए चला रहा हूँ, ना कि कोई मोनेटाइजेशन या पैसा कमाने के लिए। मैं यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया हूँ ताकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ जान पाऊँ और दूसरे को भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो इसलिए मैं बेकार कंटेंट नहीं देना चाहता, अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ बीच बीच में, लेकिन फिर भी चल जाता है क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और रेगुलर होने की। जैसे अभी मैं 4 दिन बाद डाल रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे 2 दिन बाद डालने की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला प्लेन आप लोग देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन कैसा, मतलब एक प्लेन जैसा तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल। तो इस प्लेन का जो नाम है वो है वॉगट V173। जो इसका सब चीज़ ये है, द सो कॉल्ड फ्लाइंग पैनकेक, इसको फ्लाइंग पैनकेक भी बोला जाता है, वॉज डिज़ाइन ड्यूरिंग द सेकेंड, और ये जो प्लेन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिज़ाइन हुआ है। एंड वॉज अ नियर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मीन्स ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है, मतलब हम लोग का रनवे पे रन करता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वैसे ये कुछ हद तक कर सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे पे। ये हम लोग का दूसरा प्लेन आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है ये प्लेन है, ये एक टाइप से रॉकेट लग रहा है जिसके नीचे एक व्हील बस डाल दिए गए, लेकिन ये भी एक प्लेन है। इतने अजब गजब टाइप के प्लेन्स अभी तक में डिज़ाइन हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। टोटल 20 प्लेन्स हैं ऐसे, तो 10 इस वीडियो में, 10 अगले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जो नाम है वो बार्टिनन बरेव VVA-14। तो ये जो प्लेन है, पिक्चर प्लेन मैशअप ऑफ अ प्लेन सबमरीन एंड मैरीन कंपोनेंट्स, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। मीन्स ये जो प्लेन है ये एक टाइप का तीनों का मिक्सचर है, एयरप्लेन भी है, सबमरीन भी है एंड मैरीन कंपोनेंट्स। मीन्स जो शिप में, सबमरीन में और जो भी मिलिट्री वाटर नेवी का जो चीज़ होता है वो सब कंपोनेंट्स इसमें प्लेन में थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ नेवी का ही एयरक्राफ्ट होना चाहिए। और ये कब हुआ है इसका उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन ऑन बनेगा तो हम पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा दिन डिले हो रहा था और ये बन चुका था, तो मैंने सोचा और इन्फॉर्मेशन मैं बाद में करके डाल दूंगा, लेकिन अभी जितना इन्फॉर्मेशन है उसी में काम चलाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लेन है, ये प्लेन आप लोग को लगेगा कि मैं कहाँ से ये बेकार सा चीज़ उठा के ले आया हूँ, ये प्लेन हो ही नहीं सकता, लेकिन ये प्लेन है। इसके आगे जो आप ये देख रहे हैं यही इसका इंजन है और ये इसका छोटा सा विंग है। तो यहाँ पे अब चलते हैं इसके इंफॉर्मेशन की तरफ। तो इस प्लेन का जो नाम है वह मैकडोनल XF-85 गॉबलिन।
इट वॉज सपोज टू बी एन एयरप्लेन डेट कुड बी फिट इन साइड अनदर एयरप्लेन फॉर जस्ट बॉम्बिंग पर्पज, बट इट्स जस्ट नेवर प्लान्ड आउट. मीन्स ये जो प्लेन था ये एक ऐसा छोटा प्लेन बनाया गया जो दूसरे प्लेन्स में फिट हो जाए. इसके एक दो फोटोज़ और हैं. तो ये प्लेन के नीचे फिट हो जाता है और इसके अंदर बॉम्ब्स रहते हैं जो कि दुश्मन के जो भी एरिया होगा उस पर बॉम्बिंग करने के ये काम आ सकता उसके लिए बेसिकली. और अब देखिए ये वाला प्लेन आपको लगेगा कि बहुत एडवांस, ये प्लेन जैसा लग रहा है और बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लेन जैसा लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत पहले ही बन चुका है. तो इस प्लेन का जो नाम है वर्ल्ड टैकेट ब्लू वॉज क्रिएटेड इन 1980s में ये प्लेन बन चुका था. फॉर सच सिनेरियो इट्स प्लेन बॉक्सी बॉडी अलाउड इट टू फ्लाई एंड डिटेक्टेड बाय रडार. तो ये जो प्लेन है ये ऐसा प्लेन बनाया गया था जो रडार के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सके. आज जो प्लेन्स होते हैं उनमें एक सिस्टम लगा रहता है जो कि रडार में उनको इनविजिबल कर देता है, जिससे जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है उसको पता नहीं चल पाता है कि कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट हम लोग के एरिया के अंदर आ चुका है. तो बेसिकली ये उसी पर्पज़ के लिए प्लेन बनाया गया था. और यह है दूसरा प्लेन, मतलब दूसरा नहीं नेक्स्ट प्लेन. तो इस प्लेन का जो इंजन है आप देख सकते हो ऊपर निकला हुआ है. तो ये बहुत अलग टाइप का ही प्लेन एक है और इसका इंफॉर्मेशन चलिए देखते हैं. तो इस प्लेन का जो नाम है ये है द गॉड ईयर इन्फ्लावेट प्लेन और द GA-33 एज द आर्मी कॉल्ड इट. इसको आर्मी इसको नाम दी है GA-33, लेकिन बेसिकली जो इसका रियल नेम है वो है गॉड ईयर, मतलब गॉड ने गुड ईयर इन्फ्लावेट टू प्लेन. अगर मैं थोड़ा सा गैप प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके सॉरी, लेकिन जितना मैं से अच्छे से प्रोनाउंस हो पा रहा है क्योंकि कोई कोई नाम बहुत ज़्यादा मतलब मैंने अजीब आप समझ सकते हैं. इट सीम्स टू बी एन एग्जांपल आउट ऑफ प्लान दैट वाजंट थॉट आउट क्लियरली प्रायर टू एग्जीक्यूशन. तो ये ऐसे ही बना दिया गया था, इसका कोई पर्पस उतना नहीं था और ये भी बेसिकली आर्मी के यूज़ में ही आता था. यह नेक्स्ट प्लेन. हाँ तो ये वाला प्लेन अगला है हम लोग का. तो इस प्लेन का नाम है एक्डिगल ऑप्टिका. इट्स अ हेलीकॉप्टर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. वेल द एडज ऑप्टिक इज इन द क्लास ऑफ इट्स ओन बोरिंग डिजाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ. इसमें लिखा हुआ है कि ये एक हेलीकॉप्टर है और एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है. इस प्लेन का जो डिज़ाइन है ये बोथ एलिमेंट को मिला के बना है, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के. तो इस एयरक्राफ्ट बस इतना ही होगा, चलते हैं अगले एयरक्राफ्ट की तरफ. तो ये आप देख सकते हैं ये नासा का थोड़ा पिक्चर क्वालिटी बेकार होगा क्योंकि उतना अच्छा बहुत पुराना पिक्चर है, इसलिए जल्दी अच्छे से नहीं मिलता है. तो अब इसका मैं ये है AD-1 ओबेक्यू विंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बींग एबल टू शिफ्ट विंग पोजिशन अराउंड वुड बी मोर फ्यूल एफिशिएंट नासा वेंट फॉर वर्किंग बिल्डिंग दिस वन. तो ये जो प्लेन है ये इसलिए नासा ने बनाया था ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फ्यूल कम खर्च कर सके. तो बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को बनाने के पीछे यही पर्पस था. अब चलते हैं आगे. तो ये एयरक्राफ्ट कहीं से लगेगा नहीं आपको, लेकिन ये US Air Force, US Army का ये एक एयरक्राफ्ट है. इस एयरक्राफ्ट का नाम है एवरो कैनेडा द VZ-9 एवोकार. तो विकिपीडिया का कॉमेंट्स दैट्स नो दिस इज इट फ्लाइंग सॉसर और द स्पेस शिप फ्रॉम द स्टार वॉर्स द एवोकार. तो ये जो है स्टार वॉर्स से डेवलप हुआ. स्टार वॉर्स एक फिल्म है हॉलीवुड का जिसके अंदर स्पेसशिप था, उसी का ये डिज़ाइन वर्जन है, उसी का कॉपी करके ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है. तो ये आ जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, एयरबस बेलूगा. ये तो आज सबको पता होगा, फिर भी मैं इसको शामिल किया हूँ इस में. ये बेलूगा बल की शेप, बेलूगा जो विल होता है एक वाइट कलर का विल होता है बेलूगा विल, उससे इंस्पायर्ड ये शेप का एयरक्राफ्ट बनाया गया है.
तो इस एयरक्राफ्ट का इंफॉर्मेशन ये रहा, द एयरबस A300 वाज बेस्ड बेलुगा इज दिस वीक सेलिब्रेटेड 20 इयर्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट सेक्शन बिटवीन द कंपनीज यूरोपियन प्लांट्स। तो एयरबस बेलुगा जिस सिस्टम पे बेस्ड एयरक्राफ्ट है वो है एयरबस A300 बेस्ड एयरक्राफ्ट है और इसका 20 इयर्स हो गया है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की तरफ। तो ये आ जाता है सी एयरक्राफ्ट, मतलब ये हवा में भी उड़ता है और मतलब सी प्लेन भी इसको आप अपने भाषा में कह सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं 4 इंजन्स इसके अंदर। तो इस प्लेन का जो नाम है वो है हरक्यूज हक्स H4 हर्क्यूलिस, हक्स H4 हर्क्यूलिस। इफ समवन आस्क व्हाट मटेरियल यूज्ड, मेड अप ऑफ मेटल, सीम्स लाइक अ सेफ जेनेरिक, राइट। मीन्स इसके बारे में यहाँ कुछ मटेरियल के बारे में दिया हुआ है, किससे बना है। ये बेसिकली एक सी प्लेन है और जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है ये एक सी प्लेन है और ये और जो फायर लगते हैं उस फायर को, मतलब फायर फाइटिंग प्लेन एक टाइप से इसको बोला जा सकता है, उसका काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने, वीडियो को लाइक चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा। मिलता है लेकिन मैं तब तक जय जय भारत।